أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट ले लिया था और चैप्टर 9 जो हमारा था वो था फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखी ट्राइंगल्स की, उसके साथ हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक थी डिग्री मेजर और एक थी रेडियन मेजर, और फिर हमने डिग्री को फर्दर डिवाइड करा मिनट और सेकंड में, वो भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, और वो एक्सरसाइज है 9.1। स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेट करता है डिग्री और रेडियन मेजर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर, मतलब हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, और गिवन किस में होगा स्टूडेंट्स, ये डिग्री में गिवन होगा। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आपको कि डिग्री और रेडियन क्या था, ठीक है। डिग्री और रेडियन यूनिट थी, डिग्री और रेडियन एंगल्स की दो अलग अलग क्या थी स्टूडेंट्स, यूनिट्स थी। तो हम प्रॉपर अपना इनमें रिलेशन जो था वो भी पढ़ा था हमने, ठीक है। 2 पाई रेडियन जो होता है हमारे पास वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, 360 डिग्रीज। और अगर हम यहां पर 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल होता है 360, ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 होगा, 1 इधर जाएगा, 2 8 ज़ा 16, और ये 0 एज इट इज आएगा। तो 1 रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे स्टूडेंट्स, 1 रेडियन इक्वल होता है 180 बाय पाए, ये होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करा और बनाकर दिखा दिया। अब स्टूडेंट प्रॉपर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 45 डिग्रीज को आप कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर, रेडियन में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन रुक कर मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। बहुत क्लियर है कि हमें एक एंगल दिया गया है, और वो एंगल किस में है स्टूडेंट्स, वो एंगल है डिग्रीज के अंदर। तो 45 डिग्रीज है हमारे पास, और कन्वर्ट करना है कौन सी यूनिट में, रेडियन यूनिट में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन की तरफ जब चलेंगे तो एज वी नो दैट 1 डिग्री जो होगा हमारे पास पाए बाय 180 रेडियंस के बराबर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे मैंने जो यहां पर फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवर्स है, एक ही बात है। अगर आप इसमें, ठीक है ना, 1 डिग्री निकालेंगे, यहाँ पर डिग्री है ये, अगर आप इसको 1 डिग्री निकालेंगे तो यहाँ पर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब 1 डिग्री हमारे पास हो जाएगा पाए, ये वाला पाए यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, और 180 राइट पर आके डिवाइड होगा, तो पाए बाय 180, ठीक है, रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों फॉर्म है, रेडियन टू डिग्री भी हो सकता है और डिग्री टू रेडियन भी हो सकता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमारे पास जो स्टूडेंट देखेंगे 45 डिग्रीज है, तो हम क्या करते हैं, जब डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाए बाय 180 से हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होगा, अगर आप चाहें तो 45 का टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, 45 वन ज़ा 45, और 45 फोर ज़ा 180। और अगर आपको 45 का टेबल नहीं आता डायरेक्ट, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर भी नहीं करना चाहते तो आप कोई छोटा टेबल पढ़ लें, जैसे 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 के टेबल में दोनों आ जाएंगी, लेकिन वो फिर कैंसिलेशन बढ़ेगी, तो फाइनली जो रिजल्ट बचेगा ये पाए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर पाए बाय 4, मतलब न्यूमिरेटर में पाए रह गया और डिवाइड में क्या रह गया 4, और 45 क्या हो गया, कैंसिल हो गया पूरा। तो 45 डिग्रीज
पता लगा फाइनली रेडियन में कितना होता है, पाई बाय 4 के बराबर होता है। अब एक ट्रिक समझा देता हूँ आपको स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ निकाला 45 डिग्रीज, जो रेडियन में कितना आया, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, इसका एक तरीका और भी हो सकता था बहुत आसान, जैसे हमने यहां पर लिखा 1 डिग्री, ये लिखा, और 1 डिग्री इक्वल था पाई बाय 180, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, हमने 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है 45 में, क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछी है 45 की। तो स्टूडेंट अगर मुझे 1 की जगह 45 लाना है, तो थोड़ा सा रिकॉल करिए अपनी मैथमेटिक्स को, अगर मुझे यहाँ 45 लाना है तो मैं बोथ साइड 45 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो गौर से देखिए स्टूडेंट, ये राइट साइड बिल्कुल वही है जो हमने यहां सॉल्व करा है, हमने भी तो 45 को पाई बाय 180 से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, तो लेफ्ट पर आ गया 45 डिग्री और राइट पर क्या चला गया स्टूडेंट, ये फिर दोबारा कैंसिल होगा और हो जाएगा पाई बाय 4 रेड या रेडियंस। तो स्टूडेंट आंसर दोनों तरीके से एक ही आया है। ठीक है, तो आसान जबान में आप ये समझ लीजिए कि जब आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री को, तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में 1 डिग्री है और जितने डिग्रीज आपको बनाने हैं उससे बोथ साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों मेथड एक ही तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग है। स्टूडेंट आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 का अब हम एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। अब स्टूडेंट गौर कीजिए, इसके अंदर हमें 120 डिग्रीज दिए गए हैं, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो सेम मेथड अप्लाई होगा। जैसे सॉल्यूशन की बात करें हम, तो एज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। अब हमें 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स किस में, ठीक है, 120 डिग्रीज में। तो एक तरीका तो वही है, मल्टीप्लाई कर दें आप, तो हम वही करेंगे, ठीक है, 120 डिग्रीज मल्टीप्लाई हो गए किससे, पाई बाय 180 से। अब स्टूडेंट कैंसिल करना देखिए ज़रा, अगर आप गौर करेंगे तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, या तो कैलकुलेटर का सहारा लीजिए या आप अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करें, जीरो और जीरो कैंसिल करेगा। इसी तरह टेबल रीड कीजिए, टेबल रीड करेंगे आप तो क्या होगा, 3 का टेबल रीड कर लीजिए, या ठीक है 3 के टेबल में होगा, 3 4 12 और 3 6 क्या हो जाएगा, ठीक है 18 हो जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल रीड करेंगे आप, 2 2 4 2 3 ठीक है, और आप चाहते तो डायरेक्ट 6 का टेबल भी रीड कर सकते हैं, 6 2 क्या हो जाएंगे आपके पास 12 और 6 3 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है आप छोटे टेबल से कैंसिल करें या बड़े टेबल से करें, जैसे आपको आसानी लगे, अगर बड़ा टेबल ना आ रहा हो तो छोटे टेबल से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, ऊपर अगर गौर करें तो आप स्टूडेंट 2 रह गया और पाई रह गया और नीचे क्या रह गया 3, तो पता लगा 2 पाई बाय 3 120 डिग्री जो था वो रेडियन में होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो हमने 120 डिग्री लिखा वो रेडियन में कितना होता है, 2 पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट डिग्री था, अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मिनट और सेकंड का भी इजाफा करें। जैसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू रेडियन मेजर, ये तो क्वेश्चन है थर्ड। अब अगर आप गौर करें, अब एक चीज का इजाफा हो गया स्टूडेंट्स इस सवाल में या इस क्वेश्चन में, 10 डिग्री और 30 के साथ एक प्राइम लगा हुआ है,
ये प्राइम जो है मिनट कहलाता है स्टूडेंट, ठीक। मतलब कि ये साइन तो डिग्री का है और ये वाला साइन किसको शो करता है, मिनट्स को शो करता है। और 1 मिनट जो होता है स्टूडेंट वो 1 डिग्री का 60th पार्ट है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब इसमें कन्वर्ट करने में एक इशू होगा स्टूडेंट्स। वो इशू ये होगा कि अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिग्री नहीं है, तो हमें पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे पहले हम वो देखते हैं। एज वी नो दैट 1 मिनट इक्वल होता है 160 डिग्रीज के, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 30 मिनट पता लगाना है तो वही तरीका है, बोथ साइड 30 से है तो मल्टीप्लाई कर दें या 160 से मल्टीप्लाई करें। तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये 30, ठीक है, 160 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 30 मिनट अब कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, डिग्रीज में। तो स्टूडेंट ये 30 का डायरेक्ट टेबल पढ़ लीजिए, 31 से 30 होगा और 32 से क्या हो जाएगा 60, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा ये। स्टूडेंट मजीद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 डिग्री तो एज इट इज जो था, और जो 30 मिनट थे वो 120 डिग्रीज थे। अब ये दोनों डिग्री होंगे तो ये ऐड हो सकते हैं, मतलब अभी हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जो मिनट में एंगल आ गया था उसको डिग्री में कन्वर्ट करके पूरे एंगल को डिग्रीज में लेकर आ रहे हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा 21/2। कैसे आया, अगर आप गौर करें डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 इस 10 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 2 से कैंसिल होगा और ऊपर वाला 1 आएगा। तो ये हो गया आपके पास 20 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 21/2। तो 21/2 हमारे पास डिग्रीज के बराबर है। 21/2 मतलब 10 डिग्री और 30 मिनट जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है, 21/2 डिग्रीज हैं। हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आगे कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये वही है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 10 डिग्री और 30 मिनट्स के इक्वल। अब पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में, तो अब हम इसको बआसानी क्या कर सकते हैं, हम इसको बआसानी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड फेज आएगा क्योंकि स्टूडेंट आप देख रहे हैं काम बढ़ गया हमारा, हमारी जो वर्किंग है वो बढ़ गई, क्योंकि अब एक कन्वर्जन नहीं हो रही, एक दो कन्वर्जन हो रही है, और अगर इसमें सेकंड भी इंक्लूड हो गया जो आगे एक सवाल में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, तो फिर हमारी जो वर्किंग है वो और बढ़ जाएगी। फिर एट द एंड में आपको किसी सवाल में या किसी क्वेश्चन में अपनी तरफ से डायरेक्ट भी सिखा दूंगा इसको। तो हमने लिख दिया मीन्स 30 डिग्री होता है, 30 मिनट होता है 21/2 डिग्रीज के, 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, रेडियन में। तो हमें पता है 1 रेडियन इक्वल होता है किसके, पाए बाय 180, लेकिन हमारे पास अब डिग्रीज कितने हैं, 21/2 तो हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 7π/120। तो स्टूडेंट 7π/120 कैसे आया, तो हमने यहाँ टेबल रीड करा है, ठीक है, टेबल रीड करा है 3 का, ये 3 7 हो जाएंगे 21, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 6 18 और ये 60 आ जाएगा। तो ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो स्टूडेंट हमारे पास होगा 3π और 7π, जो 3 7 21 और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 10 डिग्री और 30 मिनट्स। तो 10 डिग्री 30 मिनट्स रेडियन में कितना होता है? 7π/120 रेडियंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, लेकिन ये अब कुछ ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 24 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकेंड्स भी इंक्लूड हो गए, तो वर्किंग अब 3 बार की जाएगी। मतलब पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसको, ये डबल साइन जो ये शो कर रहा है किसको, अब सेकंड को। अब सेकंड को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट डिग्रीज में, फिर मिनट को डिग्रीज में, फिर उन सबको, इन सबको फिर हम ऐड करके डिग्रीज में लाएंगे टोटल, फिर हम कन्वर्जन करेंगे रेडियन में। तो ये काफ़ी लंबा काम होने जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सॉल्यूशन। एज वी नो दैट, पहले हमने देखा कि 1 मिनट जो है 1/60 डिग्रीज होते हैं, तो हमारे पास मिनट में 32 था, मल्टीप्लाई कर दिया 1/60 से, स्टूडेंट कैंसिल होकर आ गया 8/15। मजीद हम इसको अगर आगे बढ़ाएं, मजीद अगर हम इसको आगे बढ़ाएं स्टूडेंट, ये हमने 4 के टेबल से कैंसिल करा है, 4 8 32 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4 1 4 2, यहाँ चला जाएगा तो 4 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। तो 8/5 डिग्रीज आ गया, मतलब 1 मिनट 8/5, 32 मिनट 8/5 डिग्रीज के इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट आ जाए, मीन्स 32 मिनट होता है 8/15 डिग्री, हमने बता दिया ये। नाउ 30 को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब 30 सेकेंड्स हैं, तो स्टूडेंट अगर 30 सेकेंड्स हैं तो सेकेंड से पहले मिनट में आएगा, मिनट में लाने के लिए हम एक बार 60 से क्या करेंगे डिवाइड, फिर स्टूडेंट मिनट से किस में आएगा, ये मिनट से आ जाएगा ये, ठीक है, डिग्री में। तो हम एक बार फिर इसको 1/60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमने 2 बार एक ही जगह पर क्या कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम वर्किंग अब मजीद नहीं बढ़ाना चाह रहे, मतलब पहले हम सेकंड से मिनट में आएंगे 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट से, ठीक है, डिग्रीज में आएंगे, फिर दोबारा 1/60 से करेंगे। तो हमने एक ही जगह पर 2 बार इसको डिवाइड करवाया 60 से। अगर हम इसकी कैंसिलेशन की बात करें तो कैंसिल होकर ये आएगा 1/120 डिग्रीज के बराबर, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 3 और 3 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 2, ठीक है, 12, और 0 अपनी जगह पर 120। तो पता ये लगा कि 30 सेकेंड जो होते हैं 1/120 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों को देखिए आप, ये हमने दोनों किसमें कन्वर्ट करे, ये और ये, मतलब मिनट और सेकेंड्स हमने कन्वर्ट कर लिए किसके अंदर, डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करे। और मेन क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हमें रेडियन में लाना है। तो अब हमारे पास जो सारे एक्सप्रेशन है वो डिग्रीज में है, मतलब 24 डिग्री है, 32 जो मिनट था वो भी डिग्रीज में आ गया 8/15, और 30 जो सेकंड्स थे वो भी डिग्री में आ गए 1/120 डिग्रीज। अब हम पहले डिग्रीज को सम अप करेंगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है अभी ऐसे लिखा जा सकता है कि 24 डिग्रीज अपनी जगह पर, ये 32 मिनट डिग्रीज में 8/15 थे, और 30 सेकंड्स डिग्रीज में 1/120 थे, ठीक है। तो इन सबको राइट साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे स्टूडेंट। एलसीएम करने का एक आसान तरीका ये होता है, जो नीचे वाली टर्म सेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप, तो मैंने वही किया है, 15 मल्टीप्लाई 120 किया। अब 24 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो ये 15 और 120 इस 1 से डिवाइड होंगे, तो यही बचेंगे। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर वाले 24 से,
तो फिर ऊपर एक्सप्रेशन आएगा 24 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 120। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस अपनी जगह पर ये रहा। उसके बाद अब ये 15 और 120 8 से मल्टीप्लाई होंगे, 15 से डिवाइड होंगे, तो 15 और 15 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 120 बच जाएगा। 120 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई 120। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा कि यहाँ पर 20 20 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल होगा, 15 बचेगा। 15 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 15 रिजल्ट आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हम इन तीन शुरू के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 24 15 120 तो आंसर आएगा 43200। 8 मल्टीप्लाई होगा 120 से तो 960, 15 वन जा 15 हो गया, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ गया। न्यूमिरेटर की वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू को से अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास कुछ ये 589 बाय 24 आंसर आएगा। स्टूडेंट ये हमने कन्वर्ट कराए किसके अंदर, डिग्रीज के अंदर, मतलब जो हमें 24 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकंड दिया था ये 589 बाय 24 डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन असल क्वेश्चन में हमें डिग्रीज में नहीं चाहिए, असल क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस डिग्रीज को रेडियन बनाना है। तो अब नेक्स्ट फेज में हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर रेडियन कन्वर्जन, तो रेडियन कन्वर्जन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाय 180 से। और स्टूडेंट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिंप्लीफाई होगा, मतलब 589 पाई से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा और 24 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 4320। ये आपका रेडियन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो एक लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने कन्वर्जन की है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट माइनस देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो माइनस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस 70 डिग्री 9 मिनट है, तो स्टूडेंट माइनस को ऐसी छोड़ दें जैसे है, ये ऐसी चलता रहेगा आपके पास, इसमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको देखें तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था या 2 किया था, ये बिल्कुल उस तरह है, 3 की तरह है बिल्कुल ये, क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ दो कन्वर्जन थी, यहां पर सिर्फ मिनट था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, नाइन्थ को ठीक है, 9 को माइनस 7 डिग्री, और इस 9 को डिग्री बनाएंगे। 9 को डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 60 से और प्लस ये पूरा डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये करने के बाद फिर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये 0 रेडियन होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से तो सब 0 हो जाएगा। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पर दी है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है आपके क्या है, वो एस प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब हम जल्दी से एक आध कन्वर्जन देखते हैं किसकी, रेडियन की डिग्री में, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर, मतलब अब जो हमारे पास आ रहा है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री मेजर में। पहले हम आए रेडियन से, डिग्री से रेडियन में, अब जाएंगे रेडियन से डिग्री में। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया 2 पाई बाय 3 रेडियंस, तो स्टूडेंट रेडियन के लिए उल्टा काम कर देंगे हम, जैसे हम करते थे 1 डिग्री इक्वल था किसके, पाई बाय 180 रेडियंस के। तो मैंने स्टार्ट में ही आज के लेक्चर में आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन फिर इक्वल होगा 180 बाय पाई डिग्रीज के। तो हम ये उल्टा काम करने जा रहे हैं,
तो एज वी नो दैट 1 रेडियन होता है 180 बाय पाई डिग्रीज, तो हम क्या करेंगे इससे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 बाय 3 पाई मल्टीप्लाई होगा 180 से, तो फौरन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, डिग्री में पाई नहीं दिखता, रेडियन मेजर के अंदर पाई नजर आएगा, डिग्री में जैसे कन्वर्ट करेंगे पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये स्टूडेंट 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा और 3 सिक्स ज़ा ठीक है 18 होगा, तो यहाँ 60 रह जाएगा, और जब ये 62 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या 120 डिग्रीज में हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में भी हमें कहा जा रहा है कि डिग्री में कन्वर्ट करें तो यह है माइनस पाई बाय 3 रेडियंस। अब स्टूडेंट यहां पर भी माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसे ही रहेगा, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करें। तो हम जानते हैं 1 रेडियन स्टूडेंट है 180 बाय पाई, मतलब अपोजिट हो गया, आप एक याद रखें दूसरा उल्टा है, 1 डिग्री जो था वो था पाई बाय 180, तो 1 रेडियन क्या होगा 180 बाय पाई, ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने स्टूडेंट, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी कहा था पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, और ये 3 वन ज़ा 3 और 3 सिक्स ज़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर देगा -60 डिग्री। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर की आखिरी बात कर लेते हैं, -60 या -π/180 आपको क्या बता रहा है। तो स्टूडेंट जब हम एंगल बनाते हैं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स वाई माइनस वाई, अगर मेरे पास 60 डिग्री लिखा हुआ है और -60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल कैसे बन रहे होंगे, माइनस क्यों लगाया गया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर मेरी रेफरेंस लाइन ये है एक्स एक्सिस है और प्लस 60 डिग्री मुझे मेजर करना है, तो मैं एंटी क्लॉक मेजर करूंगा यहां से, मतलब कि जब मैं अपना एंगल बनाऊंगा यहां से 60 डिग्रीज का, तो कोई यहां पर आके 60 डिग्री आएगा, तो ये एंगल अगर 60 है और तो इसका एरो गौर करें, मैंने काउंटर क्लॉक लिया है, ये काउंटर क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, ये यूं जा रहा है ऐसे ही है, ये 60 डिग्री, लेकिन अगर मैं इसी को स्टूडेंट -60 लेता हूं, तो -60 में स्टूडेंट अगर मेरी ये रेफरेंस लाइन है, तो फिर -60 में यहां कहीं आएगा, लेकिन एंगल की डायरेक्शन का क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो ये -60 डिग्री होगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास -y। तो स्टूडेंट ये माइनस के 60 डिग्रीज होंगे, मतलब कि माइनस शो करता है कि रेफरेंस लाइन से आप क्लॉक जा रहे हैं या एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एज एंटी क्लॉक लिया जाता है, लेकिन अब हम इसको काउंटर क्लॉक बोलेंगे, और नेगेटिव को क्या लिया जाता है, रेफरेंस लाइन से क्लॉक डायरेक्शन में लिया जाता है, मतलब एंगल भी जब घुमाए जाते हैं तो दो तरीके से, या तो काउंटर क्लॉक या कैसे घुमाए जाएंगे क्लॉक, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ये डिग्री कन्वर्जन और उससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे।